शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में योग की हमेशा से अहमियत रही है। दुनिया भर में कोरोना महामारी के कारण इसका महत्व और भी बढ़ गया है। भारतीय समाज में जहां योग की अहमियत प्राचीन काल से ही रही है, वहीं पश्चिमी समाज में भी अब इसे मान्यता मिल रही है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाए जाने की शुरुआत इसी को बयां करता है। राजधानी शिमला में सोमवार को डाक विभाग द्वारा योग दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें डाक विभाग कर्मियों ने योग कर अभ्यास किया। इस दौरान ऐतिहासिक रिज पर योग कर स्वस्थ रहने का संदेश दिया। आज का कार्यक्रम डाक विभाग की ओर से भारत में योग दिवस की तैयारियों को लेकर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज मौजूद रहे। भारतीय संस्कृति को विश्व तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यूएनओ के सहयोग से दुनिया के 187 से अधिक देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ये भारतीय वैदिक परंपरा का एक रूप है। भारत किसी समय विश्व गुरु हुआ करता था। उस पद को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण जो है वो ये कार्य किया जा रहा है। 2015 के बाद सारे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून को इस दिवस को मनाया जाता है। आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के काउंटडाउन के रूप में संचार एवं डाक विभाग द्वारा अपने मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के नेतृत्व में सारे देश भर में 50,000 स्थानों तक जो है वो इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। योग मन और शरीर दोनों के समन्वय का एक बहुत अच्छा जो है वो उदाहरण है, जिसके कारण आपका जो है मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं और शांत चित्त होकर के आप जो है वो अपने कार्य को अंजाम देते हैं, जिसके कारण आप अपने आप को भी स्वस्थ रखते हैं, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को और संपूर्ण दुनिया में जो है वो शांति की स्थापना और अग्रसर होते हैं। आज ये संचार विभाग और डाक विभाग द्वारा उस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं संपूर्ण संचार डाक विभाग के कर्मचारियों को, अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। डाक विभाग के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल विधिंता कौल ने बताया कि योग दिवस को लेकर आज पूरे भारत में डाक विभाग एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसमें लोगों को योग के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अपना परिचय दें। नमस्कार, मैं वंदिता कौल हूँ, यहाँ हिमाचल प्रदेश सर्कल में मुख्य चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, जिसको कहते हैं मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल हूँ। और आज हमें बड़ी खुशी है कि जो योगा डे, जो विश्व भर में विश्व योगा दिवस होता है, 21 जून को होता है, उसके उपलक्ष्य में एक काउंटडाउन के रूप में एक हमने यहाँ पर योग का यहाँ पर इंतजाम हुआ और हमारे यहाँ के मंत्री जी भी आए, मेयर, डिप्टी मेयर सब आए इस कार्यक्रम में। पूरे देश में ये कार्यक्रम हुआ है। आज सुबह 50,000 से अधिक डाक कर्मियों ने इसमें भाग लिया है और एक तरह से जो योग द्वारा जो ये कर्मयोगी हैं, हमारे पोस्टमैन हैं, हमारे जो डाक विभाग में कर्मठ जो लोग हैं, बहुत कर्मठ लोग हैं, उनको और मन और तन की शक्ति प्रदान करने के लिए योग का बहुत योगदान रहेगा।